हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं। समय, ये जो समय होता है ना, हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना। और जो बीता हुआ समय है ना, उससे अगर हम कभी अगर पलट कर सोचेंगे ना, तो हम बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि समय हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और सिखाने के लिए भी आता है ना। तो इसीलिए समय को ना कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय कभी अच्छा भी होता है, समय कभी बुरा भी होता है ना। तो जब समय अच्छा होता है ना, तब तो लोग सोचते हैं कि यार किसी की जरूरत नहीं है, है ना, सब अच्छा है। और जब समय बुरा होता है ना, तब लोग सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई आता, हमारी मदद करता, हमारी ये करता वो करता, है ना। पर एक बात बताऊं, जो लोग आपकी मदद करते हैं या जो आपकी बातें सुनते हैं ना, वो आपकी नहीं सुनते हैं भाई। वो सुनते हैं जो उस वक्त आप उस मुकाम पे होते हो, जो आपका वो आपका रुतबा होता है, आपका पैसा होता है ना, उसकी बातें सुनते हैं। अगर वो किसी परिस्थिति कारण चला जाएगा ना, तब देखना लोगों को कि लोग कैसे बातें करते। जो लोग आपसे नजर भी नहीं मिलाते होंगे ना, वो नजरें उठाकर चलेंगे और आपको बोलकर जाएंगे कि भाई तेरी क्यों सुनूं, है ना। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ जरूर होता होगा, है ना। और हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और आजकल तो फेमस ही हो गया है, जब किसी के पास कुछ होगा तो ही लोग आपका सुनेगा, आपकी बातें मानेगा। और यदि नहीं होगा ना, तो मजाल नहीं है कि कोई आप किसी की भी एक बात सुन लोगे, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए ना, सब समय समय का खेल होता है। समय अच्छा भी होता है, समय किसी का बुरा भी होता है। आज किसी के पास बहुत सारे धन दौलत ये है, किसी के पास वो भी नहीं होता। पर कहते हैं ना दोस्त, इसको आते और जाते समय नहीं लगता। ये कब आएगा और कब जाएगी ना धन लक्ष्मी, किसी को नहीं पता होता है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, है ना। पर फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसका घमंड करते हैं, या इसका आप जो भी समझो एक्स वाई जेड, जो भी लोग करते हैं, पर गलत करते हैं, है ना। इंसान को एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। पैसे हैं तो भी आप एक तरफ से रहिए, नहीं है तो भी आप, जरूरी तो नहीं है कि हम दिखावा करें, है ना। जैसे हैं हम वैसे रहने में क्या दिक्कत है, है ना। जरूरी तो नहीं है जब पैसे होंगे तो आप 10 तरह की चीजें खाओगे, 10 तरह की ये खाओगे, और जब नहीं रहेगा तब। तो इसलिए इंसान को ना अपनी आदत कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। जो हो आप वैसे रहो, ठीक है ना। तभी तो माता रानी भी कहते हैं, उसी को सब कुछ देते हैं जिसको संतोष होता है। पर आजकल क्या संतोष है किसी के अंदर, नहीं है। ये तो खो ही गया है। लोग सोचते हैं कि और आए और आए और आए, उसका क्या करोगे। कल को तो आप ऊपर चले जाओगे, तो और का क्या करोगे, आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो जो है उसे संतुष्ट रहो, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुश रहो, है ना। दूसरों की परवाह करके, दूसरों का टेंशन करके, दूसरों की जलन करके, दूसरों का क्या करना है इन सब से, है ना। तो ये गलत है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, समय से कभी भी मत डरिएगा, क्योंकि समय हमें ना बहुत कुछ सिखा कर जाता है। कैसे, अच्छे लोगों की पहचान भी करा कर जाता है और बुरे लोगों की भी पहचान करा कर जाता है। तो समय अच्छा है, समय बुरा हो या अच्छा हो, और खासकर समय बुरा होना तो हमारे जिंदगी में जीवन में आना बहुत जरूरी, आना भी चाहिए। तभी हम जान पाते हैं यार कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराए हैं, है ना। तो ये कहना था।